गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इम्पोर्टेंट जो सूचना वो पहुँच सके। और यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जो भी वीडियोस बना रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियोस को बार बार ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 725 ईस्वी में गुजरात में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। यह नया राजवंश गुर्जर प्रतिहार था। इस राजवंश ने अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हुए अपने को सूर्यवंशी शाखा से संबद्ध किया, किंतु कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों का कहना है कि जो गुर्जर लोग हूणों के साथ भारत आए थे उन्हीं की शाखा गुर्जर प्रतिहार थी। लेकिन कई विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि गुर्जर प्रतिहार राजपूत प्राचीन आर्यों के वंशज हैं और उनका आदि निवास भारत ही था। गुर्जर प्रतिहार नरेशों को क्षत्रिय भी माना जाता है और इस मत के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि प्रतिहारों ने अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है। इसके अलावा ग्वालियर के अभिलेख में इसी वंश के राजा वत्सराज को क्षत्रिय बताया गया है। इसी अभिलेख में आगे कहा गया है कि वत्सराज के पुत्र नागभट द्वितीय ने क्षत्रिय वंश के अनुकूल अनेक यज्ञ किए। कवि राजशेखर ने भी प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल के लिए रघुकुल तिलक लिखा है। सर्वप्रथम मारवाड़ और फिर उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर सदियों तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले गुर्जर प्रतिहार कौन थे, उनका उदय कब और कहां से हुआ, इन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाना संभव नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, जोधपुर के शिलालेखों से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। उस युग में राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र गुर्जरात्र कहलाता था, इसीलिए प्रतिहारों के नाम से संबोधित करते इसीलिए इन्हें प्रतिहारों के नाम से संबोधित करते थे। चीनी यात्री वेनसांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पिल्लो भोलो लिखा है। ठीक है, तो पिल्लो भोलो क्या है? वेनसांग ने गुर्जर राज्य की जो राजधानी है उसका नाम बताया पिलो भोलो। विद्वानों के अनुसार यह आधुनिक भीनमाल अथवा बाड़मेर हो सकता है। डॉक्टर स्मिथ और स्टेनफोनो आदि विद्वानों ने भी ये मत प्रतिपादित किया था कि इनका उदय राजपुताना में श्रीमाल अथवा भीनमाल में हुआ था। 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य जहां तहां भी प्रतिहार शासक चाहे स्वतंत्र शासक के रूप में अथवा किसी सामंत के रूप में पाए गए हैं, उन सभी के लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग न होकर गुर्जर प्रतिहार शब्द का ही प्रयोग देखने में आता है। परंतु भगवान लाल इंद्र जी ने गुर्जरों को गुजर माना है। उनके मतानुसार ये लोग कुषाणों के समय में बाहरी प्रदेश से भारत आए थे। गुप्त शासकों के समय में ये राजपूताना मालवा और गुजरात में कई वर्षों तक सामंतों के रूप में शासन करते रहे। बंबई गजेटियर में भी गुर्जरों को विदेशी माना है और गुजरात में बसने के कारण उनको गुर्जर कहा जाने लगा। डॉक्टर भंडारकर उन्हें एक जाति विशेष के रूप में स्वीकार करते हैं। डॉक्टर ओझा के अनुसार उन्हें विदेशी मानना तर्कसंगत नहीं है। वस्तुतः गुर्जर एवं गुर्जरेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग गुर्जर देश के राजा के लिए भी संभव है और गुर्जर जाति के राजा के लिए भी। ठीक है, गुर्जर देश के लिए भी और राजा के लिए भी संभव है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र गुर्जरात्र कहलाता था और प्रतिहार वंशी यहाँ के शासक हुए, अतः प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार
कहा जाने लगा। मोहनोत नैन सिंह ने प्रत्यारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है जिनके अधीनता में राजस्थान का अधिकांश भाग ही नहीं अपितु गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत एवं बिहार के बहुत से क्षेत्र भी थे। ठीक है, तो देखिएगा प्रतिहार नरेश गुर्जर क्यों कहलाए। देखिएगा प्रतिहार नरेश को गुर्जर शब्द से संबोधित उनके पड़ोसी राष्ट्रकूट व पार शासक करते रहे। पड़ोसियों का यह संबोधन 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलता रहा। इसी अवधि काल में अरब के मुसलमानों ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। वे भी प्रतिहारों को गुर्जर कहते रहे। वे गुर्जर शब्द के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग करते थे। चूंकि प्रतिहार गुर्जरात्र क्षेत्र के शासक थे अतः उन्हें गुर्जरात्र शब्द से संबोधित किया जाने लगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी इस मत को स्वीकार किया है, लेकिन गुर्जर नाम से संबोधित होने से वे विदेशी गुर्जर नहीं हो सकते। ग्वालियर अभिलेख में प्रत्यारों को क्षत्रिय तथा ये वंश सौमित्र अर्थात लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है। वेनसांग ने भी अपने वर्णन में 72 देशों का उल्लेख किया है, उनमें एक कुचेलो अर्थात गुर्जर बताया है और उसकी राजधानी भीलामाला बताई है। यहाँ के राजा क्षत्रिय थे अतः प्रतिहार वंश वास्तव में क्षत्रिय वंश था। पड़ोसियों द्वारा या अरबों द्वारा उन्हें गुर्जर कहने से उन्हें गुर्जर कहा जाने लगा। किसी वंश को गुर्जर कह देने से वे यूनानी नहीं हो गए। राजशेखर ने भी अपने आश्रयदाता प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को रघुगुल तिलक कहा है। ठीक है, तो देखिएगा इस वीडियो में हमने गुर्जरों के बारे में जानकारी प्राप्त की, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज आपको और भी आगे की वीडियोज में भी मिलेंगे, अतः बने रहें हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।